पद्म पुरस्कार के दूसरे संस्करण में कुछ ऐसे भी दृश्य देखे गए जिसे देख मन प्रफुल्लित हो जाएगा। संग्रहित रूप में भारत की विविधताओं को देखा गया। इस समारोह में कोई विजेता नंगे पांव पहुंचा था, तो कोई अपने लोक वस्त्र में, तो कोई सनातनी योगी के कपड़े में, तो कोई महिला भारतीय सभ्यता और संस्कृति में लिपटे हुए। दरअसल एक ऐसा ही दृश्य देखा गया जहां पद्मश्री लेने के लिए जब एक वृद्ध महिला का नाम पुकारा गया तो उनका आचरण देख हर कोई प्रफुल्लित हुआ। दृश्य में आप देख रहे हैं कि बिहार की रहने वाली श्रीमती सुभद्रा देवी जी जब पद्मश्री लेने महामहिम राष्ट्रपति के करीब जाती हैं तो वो चलने में असहज महसूस कर रही है। वृद्ध होने की वजह से उन्हें चलने में दिक्कत हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुभद्रा जी चेहरे पर एक मीठी मुस्कान रखते हुए हर किसी को हाथ जोड़ नमस्कार कर रही है और उनके सर से साड़ी का पल्लू भी गिरते हुए नजर आ रहा है, तो उन्हें झट से वो ठीक कर रही है। जहां एक तरफ हम आए दिनों सोशल मीडिया पर भारतीय संस्कृति और सभ्यता नहीं मानने वाले को देखते हैं, तो वहीं हमारा ये भारत और ये दृश्य हमें हमारी संस्कृति और सभ्यता का नींव बतलाता है। बहरहाल पद्म पुरस्कार के दूसरे संस्करण में बहुत सारे दुर्लभ दृश्य दिखाई दी जो हमें और हमारी पीढ़ी को प्रोत्साहित करेगी। इसी तरह के वायरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए TNN वर्ल्ड के साथ।